जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अप्रैल और मई के दौरान नेपाल को होने वाले लोहे और स्टील, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में कमी आई है। भारत का हिमालय स्थित पड़ोसी देश घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित कर रहा है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गैर तेल का नेपाल को निर्यात अप्रैल मई की अवधि के दौरान 13.2% घटकर $9,432 लाख रह गया है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 9.6 अरब डॉलर की खेप के साथ नेपाल भारत का 11वां बड़ा निर्यात केंद्र था। वित्त वर्ष 22 के दौरान नेपाल के साथ कारोबार में 8.3 अरब डॉलर के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष वाला देश रहा। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष 32.8 अरब डॉलर और बांग्लादेश के साथ 14.2 अरब डॉलर रहा। नेपाल के साथ कारोबार में गिरावट से वित्त वर्ष 23 में भारत के साथ कुल मिलाकर व्यापार घाटे पर असर पड़ सकता है, जबकि विकसित देशों में मंदी के डर से पहले ही स्थिति खराब हो रही है। जून में भारत का व्यापार घाटा 26.1 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस महीने की शुरुआत में नेपाल ने गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अगस्त के अंत तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें $300 से महंगे मोबाइल फोन, 150 cc से ज्यादा इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल, वही शराब, तंबाकू उत्पादन, हीरे, 32 इंच से बड़ी रंगीन टेलीविजन, जीप, कार, वैन, गुड़िया, वही ताश के पत्ते और स्नैक्स शामिल हैं। अप्रैल मई के दौरान नेपाल को ऑटोमोबाइल निर्यात 22.5% कम हुआ है, जबकि लोहा और स्टील का निर्यात 6.8% संकुचित हुआ है। वहीं बता दें कि प्रमुख निर्यात वस्तुओं में ईंधन का आयात लगभग 65.8% बढ़कर $5,972 लाख हो गया है। देश के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ने अप्रैल में वाणिज्य के बैंकों को निर्देश दिया था कि वे गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट ना खोले। ये देश के विदेशी मुद्रा में और गिरावट को रोकने के लिए किया गया था। इसके पहले भारी मात्रा में आयात के कारण नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आ गई थी, जिससे श्रीलंका जैसे संकट को लेकर चिंता बढ़ रही थी। वहीं वाहन उद्योग के एक सूत्र ने कहा, इसका एकमात्र मतलब ये है कि मौजूदा ऑर्डर को माना जाएगा, लेकिन नेपाल में नए ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परिणाम स्वरूप नेपाल में भारत के वाहनों की बिक्री पिछले कुछ महीनों में कम हो गई है। मैं बता दें कि नेपाल की प्रमुख निर्यातक कंपनी है हुडाई, वहीं जिसके बाद मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा का स्थान आता है। मूल्य के हिसाब से भारत के कुल वाहन निर्यात में वित्त वर्ष 22 में नेपाल की हिस्सेदारी 2.4% थी, जो वित्त वर्ष 18 के बाद सर्वाधिक है। वहीं भारत से होने वाले कुल दो पहिए निर्यात में नेपाल की हिस्सेदारी 8-10% है। उद्योग के सूत्रों ने कहा है कि 150 cc से ज़्यादा क्षमता की बाइक के आयात पर नेपाल सरकार द्वारा रोक लगाए जाने से भारत से होने वाले निर्यात पर असर पड़ेगा। भारत के दो पहिए निर्यात बाजार में नाइजीरिया, नेपाल, कोलंबिया, बांग्लादेश, केन्या, मैक्सिको, फिलीपींस, मैं बता दें ग्वाटमाला, ऑस्ट्रेलिया और युगांडा शीर्ष 10 बाजारों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।